हमने ये देख लिया कि भाई कुछ एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टी सीएसएस की ऐसी होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेड होती है और कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेड नहीं होती है। अच्छा, तो अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है तो और मैं उसको रोकना चाहता हूँ अगर, तो मैं उसको रोक सकता हूँ सीएसएस के ज़रिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं है और तो मैं उसको इनहेरिट बोल के करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज़ एक रह गई थी कि जैसे ये ब्लू लगाया ना मैंने क्लास और इस पर मैंने बॉर्डर लगाया, ठीक है। अब बॉर्डर मिसाल के तौर पर कोई स्पेसिफिक 3 पिक्सल का मैं और डॉटेड बॉर्डर लगाता हूँ इस पर, मिसाल के तौर पर डबल ब्राउन, ठीक है। मैंने ये ख़ास कस्म का एक बॉर्डर लगाया। अब मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ 1 पे तो नहीं लेकिन 2 पे एटलीस्ट इनहेरिट हो जाए, ठीक है। अगर तो मैं सब पे इनहेरिट कराऊँगा तो 1 और 2 दोनों पे, तो मैं पैराग्राफ 2 पे जाके क्या बोलूँगा, ठीक है। मैं पैराग्राफ 2 के ऊपर मैं एक और कोई क्लास दे देता हूँ, मे बी क्लास मैंने कहा P2 इसके क्लास का नाम, और मैं क्या बोलूँगा P2 पे आके कि आप क्या कर लो बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर के आगे मैं पूरी बात नहीं लिखूँगा, मैं बोलूँगा इनहेरिट के अपने पेरेंट में जो लगा हुआ है ना बॉर्डर सेम वैसा ही लगा लो आप भी अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसने अपने पेरेंट के जैसा बॉर्डर एग्जैक्टली लगा लिया, कॉपी कर लिया उसको, ठीक है। तो आप कोई अगर प्रॉपर्टी इनहेरिटेड नहीं है तो आप उसको इनहेरिट करवा सकते हैं। इनहेरिट करवाने से बेनिफिट ये होता है कि सम टाइम आपका टाइम सेव हो जाता है। आपने पेरेंट के ऊपर कोई बहुत ही कोई आला किस्म की कोई कार्रवाई की है, अब वही आप उसके चाइल्ड पे भी करना चाह रहे हैं तो आप उसको इनहेरिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वैसे पर्सनली इनहेरिट करवाने का मतलब बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनहेरिट बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट होनी चाहिए उसको रखा हुआ है, इनहेरिट जो नहीं होनी चाहिए उसको नहीं रखा हुआ। तो मुझे बहुत कम ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को इनहेरिट करवाऊँ, ठीक है। आमतौर पर हम क्लास बनाते हैं, जैसे कि बटन की क्लास बनाई तो वो लगाते हैं वो ऑटोमेटिक बटन बन जाता है खुद ही, ठीक है। तो आमतौर पर क्लास से ही सारा काम हो जाता है, इनहेरिट करवाने की ज़रूरत मुझे पर्सनली बहुत कम पड़ी है। अच्छा, वाई यूज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये भी हम थोड़ी सी डिस्कशन शुरू में ही कर चुके थे, क्या फ़ायदा होता है कोई बता सकता है खड़ोगे कि एक्सटर्नल फाइल का क्या फ़ायदा होता है सीएसएस अगर हम नहीं एक्सटर्नल फाइल बनाने का फ़ायदा, चलो ये एक हो गया। तुम कह रहे हो कि कोड अलग अलग हो जाता है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है, और मल्टीपल पेजेस में उसको अटैच कर सकता हूँ मैं। अगर मेरी सीएसएस की फ़ाइल एक्सटर्नल है तो मेरे अगर 4 HTML के पेजेस है ना, मैं चारों के साथ उसको एसोसिएट कर सकता हूँ, और चारों में वो क्लास जो मैंने सीएसएस की फ़ाइल में बनाई है ना, क्लासेस बनाई हैं 100-200 क्लासेस मैंने बना के रखी हुई हैं, वो चारों HTML के पेजेस पे अवेलेबल हो जाती है और मैं उस पर किसी पे भी लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक बटन की क्लास जैसे बनाई थी इसी आज शुरू में, तो वो बटन जो है मेरे चारों पेजेस पे हो सकता है, नेविगेशन बार तो चारों पेजेस पे होता है। तो मैं एक ही सीएसएस की फ़ाइल बनाऊंगा, एक ही बटन की क्लास बनाऊंगा, चारों फाइल से अटैच करूंगा और चारों पे मुझे बटन अवेलेबल हो जाएगा। अभी हम बहुत जल्दी जब हम 4 पेजेस वाली वेबसाइट करेंगे तो ये हम करके देखेंगे, इस चीज़ को हमें फिर प्रैक्टिस करना होगा। तो वेल, यहाँ पे इन्होंने ये मज़मून लिखा है, इसको बेहतर ये है कि आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इसमें यही इन्होंने बात बताई है। अच्छा, डिफरेंट वर्जन ऑफ सीएसएस एंड ब्राउज़र क्वेरीज। अच्छा, ये कुछ टूल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर आपने अपनी वेबसाइट तैयार की है तो आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंट ब्राउज़र्स पे आप उसको टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। बेहतर ये होता है कि आप फिज़िकली उसको डिफरेंट ब्राउज़र पे टेस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ ये टूल्स बताए हैं। अच्छा, ये टूल्स आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, ये चारों लिंक आप खोलेंगे तो अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर तो चैप्टर इन्होंने ख़त्म कर दिया है। वेल, गूगल क्रोम का एक डेवलपमेंट टूल है, राइट क्लिक करेंगे आप इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद आप ये छोटा सा यहाँ पे मोबाइल डिवाइस बना हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना जब, तो क्या होगा, ये इस तरह का एक स्क्रीन ओपन कर देगा आपके सामने, और यहाँ पे आप आके डिफरेंट डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, आईपैड एयर, ठीक है, आईफोन SE, और इसके आप मज़ीद एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन जितनी भी डिवाइसेस आई हैं ना मार्केट में आज तक वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे किसी एक डिवाइस का नाम बताओ, ठीक है। तो मैं इसको ना S20 को क्या करता हूँ, इधर ऐड कर देता हूँ, मैंने कहा कस्टम डिवाइस
और मैंने कहा कि भाई सैमसंग S20 अल्ट्रा, ये लो भाई अल्ट्रा सही है। अच्छा यूज़र एजेंट ये मोबाइल है या डेस्कटॉप है या क्या है? तो मैंने कहा भाई मोबाइल है ये, ठीक है। ब्रांड वगैरह यहाँ पे हाथ से लिख सकता हूँ और मतलब पूरा मैं इसको बता सकता हूँ कि क्या आर्किटेक्चर है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें बता के ना ये ऐड कर सकता हूँ। वेल इसमें यार सैमसंग तो होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं है। जियो फोन डाला मैं, ये रहा S20 अल्ट्रा तो इसमें है, तो क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूँ S20 अल्ट्रा को? एडिट नहीं कर सकता मैं, वेल लगा हुआ भी है यहाँ पर, तो S20 अल्ट्रा यहाँ शो होना चाहिए, इसका मतलब है ये S20 अल्ट्रा को जिस तरह का दिखेगा। वेल तो यहाँ पे ना ये कस्टम डिवाइस का जो ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से मैं आगे क्या कर सकता हूँ, कोई भी ऐसी डिवाइस है, जैसे मैंने कहा कि भाई S20 अल्ट्रा है ना जैसे, तो इस मुझे स्पेसिफिकेशन इसकी पता है एग्जैक्टली यहाँ पे कि क्या है एक स्पेसिफिकेशन। जैसे इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है वो है 1440x3200, 1440x3200, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 1440x3200 ये इसका साइज़ है। और मैंने कहा ये क्या है, सैमसंग S20 अल्ट्रा कस्टम डिवाइस है ये, ठीक है। तो ये देखो कस्टम डिवाइस यहाँ पे ना ऑटोमेटिक शो होने लग जाएगी, ये ना कस्टम डिवाइस मैंने एक ब्लैकबेरी 8820 एक बनाया हुआ है और एक ये अभी एक और बन गई है, ठीक है। तो कस्टम डिवाइसेस अलग से शो हो रही हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप लोकेशन वगैरह भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस इस वक्त कहाँ मौजूद है। जाहिर है आप अगर GPS की किसी फीचर पे काम कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप खुलते ही या वेबसाइट खुलते ही आप लोकेशन गाइड करते हैं और उस लोकेशन से आप वेदर ऐप बना रहे हैं मिसाल के तौर पे आप कोई, ठीक है। तो उसमें आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है कि आप जब लंदन के अंदर बैठ के कोई ये वेबसाइट खोलेगा तो कैसा दिखे, ठीक है। तो आप अपना लैपटॉप उठा के लंदन तो नहीं ले जा सकते, तो यहाँ से आप क्या कर देते हैं, लोकेशन उसकी सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आके मैं कहाँ चला गया वो, अच्छा यहाँ पे से एडिट में था वो, एडिट पे जाके आप क्या करते हैं यहाँ से ना लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लोकेशंस बनी हुई हैं सारी, यहाँ पे से आप कोई नई लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं और इसमें से फिर आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे अपने डिवाइस को इसी लोकेशन पे सिमुलेट करवाना है। वेल तो ये चीज़ें ना गूगल क्रोम के ब्राउज़र में भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है कि आप डिफरेंट डिवाइसेस पे इसको गूगल क्रोम में रहते हुए ही चेक कर लेते हैं। अच्छा दूसरी बात ये कि कुछ CSS के रूल्स होते हैं, अभी ये बुक में आगे भी जिक्र करेगा, वो डिफरेंट ब्राउज़र पर ना डिफरेंट तरह से डिस्प्ले होते हैं। जैसे अभी ड्रॉप शेडो जो होता है, एक ड्रॉप शेडो की जो प्रॉपर्टी का नाम है ना वो सफारी में अलग है, गूगल क्रोम में अलग है, तो वो ये साथ साथ बताता जाएगा कि वो कैसे करके हिसाब किताब है उसका। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप जैसे ड्रॉप शेडो लगाते हैं तो ड्रॉप शेडो में आपको दोनों प्रॉपर्टी लिखनी होती है कि अगर गूगल क्रोम में खुले तो ये वाला अप्लाई हो जाए, सफारी में खुले तो ये वाला अप्लाई हो जाए। तो वो चीज़ों को ज़ाहिर है लास्ट में मुझे, अभी मैं तो गूगल क्रोम पर हूँ, लास्ट में मुझे क्या करना होता है उस ब्राउज़र पर खोल के उसको चेक करना होता है। तो ये जो इन्होंने टूल बताया हुआ है ना ब्राउज़र कैम, ये क्या करता है, आप इसको अपनी वेबसाइट का URL बताते हैं और ये दुनिया के जितने ब्राउज़र्स हैं ना सब पे उसको रन करता है और आपको एक चार्ट ला के देता है टिक और क्रॉस वाला कि अच्छा यार यहाँ यहाँ पर चल रहा है, यहाँ यहाँ पर नहीं चल रहा, इस तरह से कुछ करता है, ठीक है। तो मेजर अभी जो है ना ये वाला मसला हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ये वाला मसला हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म इसलिए हो गया है क्योंकि अब सिर्फ एक ही ब्राउज़र है गूगल क्रोम, बाकी सारे ब्राउज़र ख़त्म होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि हमारे पास पहले 3 मेजर ब्राउज़र हुआ करते थे, एक तो सफारी था, वो उन्होंने एक अपना इंजन बनाया हुआ था, एक था आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जो था, ठीक है, वो IE6 करके था उसमें। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, पहले तो उनका पुराना इंजन चल रहा था जो बहुत ही स्लो था, फिर उन्होंने जो एज बनाया ना जब नया वाला, तो उसमें एक अपना इंजन उन्होंने फास्ट वाला बनाया था, उसका नाम रखा था चाकरा। बट बाद में क्या किया उन्होंने, चाकरा को डिसकंटिन्यू कर दिया,
ठीक है, तो वो अभी क्या यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारे पास था मोज़िला फायरफॉक्स, उन्होंने अपना एक तेज़ वाला इंजन बनाया हुआ था स्पाइडर मंकी के नाम से, तो वो चल रहा है अभी। और इसी तरह दो चार और थे, उन्होंने अपने अपने बनाए हुए थे, लेकिन वो सब ने ना फिर डिसकंटिन्यू कर दिया अपना जो मंकी वो था। अच्छा, वो हुआ क्या है कि गूगल क्रोम वालों ने जो गूगल के अंदर इंजन लगा हुआ था ना, जो सबसे फास्ट समझा जाता था उस वक्त, तो V8 इंजन उसका नाम था, जो गूगल क्रोम के अंदर अभी भी चल रहा है। तो V8 इंजन था, उसको क्या किया, ब्राउज़र से सेपरेट कर दिया और एक क्रोमियम के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जो कि प्रोजेक्ट ओपन सोर्स रखा उन्होंने। जैसे एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, वैसे क्रोमियम भी ओपन सोर्स है। तो ये जितने छोटे छोटे ब्राउज़र थे ना, इनको बोला कि भाई आप पूरा पूरा ब्राउज़र क्यों लिखते हो, बिला वजह टाइम ज़ाया करते हो, आप हमारा ये इंजन उठाओ, इस पर अपनी UI चढ़ा के ब्राउज़र बना दो आप। तो अभी ये जितने भी छोटे छोटे ब्राउज़र देखते हैं ना, आपको ब्रेव ब्राउज़र है और पता नहीं ओपेरा जो है, ठीक है, इवन दो के माइक्रोसॉफ्ट एज भी अब इंटरनली क्रोमियम यूज़ करता है। आप ये विकीपीडिया के उनके पेज पे जाके देखेंगे ना, वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, ये बात मेंशन की हुई है। अगर मैं जाऊँगा ना एज और विकीपीडिया, तो एज ब्राउज़र लिखना पड़ेगा, सही है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो यहाँ पे ना इन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया हुआ है, ये रहा गूगल्स ओपन सोर्स क्रोमियम प्रोजेक्ट के यूज़ करता है, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का जो था ना चाकरा, उसका भी जिक्र होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, ये चाकरा इन्होंने बनाया था पहले, लेकिन उसको बाद में ख़त्म कर दिया। तो मोज़िला फायरफॉक्स ने अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं किया, लेकिन होपफुली वो भी डिसकंटिन्यू करके क्रोमियम पे ही आ जाएंगे। और तो अभी हमारे पास तीन है टोटल, नंबर एक सफारी, नंबर दो मोज़िला फायरफॉक्स, और नंबर तीन गूगल क्रोम। और छोटे छोटे जितने ब्राउज़र हैं वो तो सारे क्रोमियम पे आ गए हैं, तो गूगल क्रोम और वो उसका बिल्कुल सेम होगा जो रिजल्ट्स होंगे। तो आपके पास अगर ये दो ब्राउज़र भी है ना, गूगल क्रोम और मोज़िला फायरफॉक्स, सो दैट्स फाइन, ठीक है। और अगर आपके पास मैक, क्योंकि सफारी जो है वो सिर्फ मैक पे होता है अवेलेबल, तो अगर आपके पास मैक है तो सफारी उसमें बिल्टन होता है। तो ये तीनों ब्राउज़र पे अगर आप चलाकर देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया के हर ब्राउज़र पे आपकी वेबसाइट चलेगी, ठीक है। तो ये ब्राउज़र वाले मसले ना, पहले जो ये मसले थे कि भाई हर ब्राउज़र पे चला के देखना होता था, वो मसला अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ डाउन होके ये तीन ब्राउज़र पे आ चुकी है, नंबर एक गूगल क्रोम, नंबर दो मोज़िला फायरफॉक्स, नंबर तीन सफारी, ठीक है। सफारी सिर्फ मैक के ऊपर है, तो आपको, आप अगर विंडो पे हैं तो आप दो पे चला के देख लें तो सही है, ठीक है। अगर आप तीसरे पे भी चलाना चाहते हैं तो मैक पे आपको देखना पड़ेगा। वेल, अच्छा, सफारी शुरू में विंडोज़ पे आता था, तो अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे ना सफारी फॉर विंडोज़, तो आपको पुराना वर्जन डाउनलोड हो जाता है स्टिल, तो किसी हद तक आप उस पर भी उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो वो पुराना वर्जन है HTML5, उसमें भी सपोर्टेड थी जब इन्होंने डिसकंटिन्यू किया था, HTML5 थी सफारी के अंदर। तो विंडोज़ पे भी आप सफारी का पुराना वर्जन एक डाउनलोड स्टिल कर सकते हैं। अच्छा, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं मेरा ख्याल है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11, ठीक है जी। तो चलें फिर, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में।